सर्व तेलुगु समाज को एक सूत्र में पिरोने का सपना लिए तेलुगु जन शक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए कुछ नए पदाधिकारी नियुक्त कर उन्हें विभिन्न प्रभार सौंपे हैं। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन लगातार 4 वर्षों से सर्व तेलुगु समाज को एक मंच पर लाने का सपना संजोकर इस दिशा में कार्य कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुम्हारी की ग्राम परसदा में संगठन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन से जुड़े कर्मठ सदस्यों को कार्यकारिणी में स्थान देते हुए पद वितरित किए गए और संगठन ने उनसे अपेक्षा जताई है और नए पदाधिकारी अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए संगठन को और मजबूत और बड़ा बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन के अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी एवं महासचिव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो सपना लेकर चले थे उस सपने को साकार करने के लिए आज संगठन काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है और संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य एक से बढ़कर एक नायाब हीरे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संगठन के वह पदाधिकारी भी सम्मानित हुए जिन्होंने तेलुगु भाषी भाषा लोगों को एक सूत्र में पिरोने की दिशा में सकारात्मक कार्य करते हुए संगठन को मजबूत किया है। सम्मान कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों को शॉल और मोमेंटो देकर उनका मान बढ़ाया गया और संगठन ने दोबारा सभी से अपेक्षा की और सारे पदाधिकारी और सदस्य संगठन के नेक ख्यालात को अमली जामा पहनाने में अपना शत प्रतिशत देंगे। आज से 4 वर्ष पूर्व एक अच्छी सोच लेके पूरे तेलुगु समाज को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास करने के लिए तेलुगु जनशक्ति संगठन का एक स्थापना किए। इस संगठन में शुरुआती दौर पे बहुत ही कम संख्या में इसमें जुड़े थे, आज ये कारवां ऐसी बड़ी, पूरे टीम हमारे साथ, मैक्सिमम इसमें 15 समाजों के इसमें टीम इसमें कार्य कर रही है और हमारे पूरे सोच पूरा छत्तीसगढ़ लेवल में हम पूरे तेलुगु समाज को एक मंच पे लाने के प्रयास कर रहे हैं। विगत 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल में बहुत सारे कार्य किए हैं तेलुगु समाजों के बीच में और आने वाले दिन यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि संगठन में कितनी शक्ति होती है। धीरे धीरे इस संगठन में जुड़ते जा रहे हैं। आज कुछ लोगों का सम्मान भी हुआ है, कुछ नए पदाधिकारी बनाए गए, बताएंगे इसके बारे में। जी, जैसे जैसे हमारा कार्यभार और क्षेत्र बढ़ते जा रहा है उस संदर्भ में लेते हुए क्षेत्र वाइज हम लोग कुछ प्रमुख व्यक्तियों को पदाधिकारी बनाए हैं। चरोदे लेवल से हमारे एक मित्र, उनको संरक्षक बनाया गया, महेश्वर राव जी चरोदे में रहते हैं, रेलवे संभाग का कर्मचारी है, इनको आज हमने पूरे टीम यहाँ पर आके उनको सम्मान किया संरक्षक पद में। और हमारे कुर्सीपारा जोन में जोन प्रभारी था मोहन टीसी, उनको उपाध्यक्ष के पद पे आज नवाजा गया है। के अनिल जी सेक्टर 2 में रहते हैं, इनको सह सचिव का पद भार संभाला गया है। वैसे हमारे और जो कार्य अच्छा जो श्रेष्ठ कार्य से काम कर रहे थे उनको भी यहाँ सम्मान किया गया। हम आशा यही करते हैं, ये 4 साल से अभी जो कार्यभार संभाले हैं, 4 साल से एक सदस्य के रूप में इसका संस्था में संगठन में कार्य करते कर रहे थे, इनके जो प्रतिभावान कार्य देख के इनको यहाँ सम्मान किया गया। पूरी अपेक्षा है हमारे इनके ऊपर, तन मन धन से इस संगठन में कार्य करेंगे, इसलिए इस पद से नवाया गया इन लोगों को। विगत 4 वर्षों से जो प्रयास किए जा रहे थे विभिन्न समाजों के लोगों को जोड़ने का, भिलाई में आज वार्षिक एक आम सभा रखे हैं और मिलन समारोह रखे हैं ग्राम परसदा में, जहां पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आगे की बहुत सारी कार्य योजनाओं के बारे में भी चर्चा किया गया है। इसके लिए सर मेरे पास बहुत सारे प्लान्स है और आगे भी जैसे जैसे वो अगर सपोज अगर अध्यक्ष जी नहीं रहे उसको नई अनुपस्थिति में जो भी काम मेरे को मिलेगा, जो जितना अच्छा करना है मैं उसको भविष्य निभाऊंगा और अच्छे से काम करूंगा। और मैं सृजन क्रीड़ा साथी समिति सांस्कृतिक समिति का अध्यक्ष भी हूं, मैं 22 साल से ये कार्यक्रम करते आ रहा हूं और मैं को बहुत ही खुशी की बात है कि स्वामी जी हमारे जो मित्र हैं अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मुझे इतना अच्छा पोस्ट दिए हैं, तो कुछ अच्छा सोच के समझ के ही दिए हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार हूँ। उसके लिए यही रणनीति है, हमारे जितने तेलुगु भाई हैं जो 27 जो गांव के जो है जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको और थोड़ा सा माइंड वॉश करना है हमको और उनको अच्छी अच्छी बात ये सब चीज़ दिखाना है कि हम और अच्छे से क्या कार्य कर सकते हैं दुख में सुख में। ऐसे अभी बहुत सारे प्लानिंग किए थे बीच में कि बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं, बहुत से परिवार भी है,
हेल्प तो कर ही रहे हैं, मगर सबको लेके जाके करने से वो एक अलग प्रभाव पड़ेगा, उसको बहुत ही प्रयास करेंगे और अच्छे से प्रयास करेंगे। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने भी अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए संगठन को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे। मैं शुरू से जब मैं छोटा था तभी मेरे मन में एक रहता था, क्योंकि अलग अलग मंचों पे लोग काम करते हैं, तो मन में एक चलता था थॉट कि क्यों ना हमारे पूरे तेलुगु लोग एक मंच पे दिखे, ये मन में चलता था। ये प्रपोजल जब लेकर मेरे पास आया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल में जो इच्छा है उसको ईश्वर ने सुन लिया है और इसको वाकई यहाँ मैं रह के कुछ कर सकता हूँ। मेरे को पोस्ट नहीं, ये नहीं, मैं एक समाज सेवा रहना चाहता था और ये मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आज काफ़ी गर्व फील कर रहा हूँ। आज मैं लोगों तक ये मैसेज दे रहा हूँ और बहुत अच्छा ये भी लग रहा है कि लोग हमसे आज जुड़ते जा रहे हैं। जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको और बखूबी निभाएंगे। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन के अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी की दूरदर्शिता एवं सर्व तेलुगु समाज को एक मंच पर लाने के लिए किए जा रहे प्रयास काबिले तारीफ है और यह प्रयास अब अपनी आभा बिखेरना प्रारंभ कर चुका है, जो पूरे प्रदेश सहित देश में भी दिखने लगी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए परसदा कुमारी से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।